मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यार, आज है मेरा लास्ट एग्ज़ाम। आज है 1 तारीख और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, टाइम हो रहा है 8:50 और मेरे को घर से 8:30 निकल जाना होता है, लेकिन मैं अभी लेट हो गया हूँ निकलने में, क्योंकि यहाँ पे मोटू भी नहीं है और मैं मोटू को लेने जा भी नहीं पाऊँगा। मोटू को शायद पैदल चल के आना पड़ेगा, क्योंकि मैं जल्दी से अब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ और मोटू अभी रेडी नहीं हुआ होगा, तो मैं उसको लेके नहीं आ सकता। तो आज है मेरा लास्ट एग्ज़ाम, इसके बाद प्रैक्टिकल्स वगैरह चलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम से तो एटलीस्ट मैं फ्री हो गया। तो विश मी बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच। आप लोग हमारी वीडियोस देखते हो और इतना इतना सपोर्ट करते हो, और बस इतना ही अभी के लिए। चलो, मैं जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। 3 hours later यार, मैं हमारे कॉलेज से डायरेक्ट वापस घर आ चुका हूँ और मैं मोटू को लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं मोटू अभी कितने देर में आ जाएगा। मैंने उसको फ़ोन तो बहुत देर पहले ही कर दिया था आने के लिए, लेकिन मोटू अभी टाइम लगाएगा आने में, क्योंकि मैं तो रूट से ही आ रहा था। मोटू, ओहो, आ गया भाई, बदल आ गया भाई। गुड आफ्टरनून वाटे, गुड मॉर्निंग, नहीं गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून गाइस। तो सुबह से अब मैं आपसे मिली हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में काकू चला गया था एग्ज़ाम देने। काकू ने आपको दिखाया भी था व्लॉग में, एंड आज मैं काकू के साथ एग्ज़ाम देने नहीं गई थी। मैंने सोचा था कि मैं घर पे आ जाऊँगी और ये जो काम वाम हो रहा है ना, वो सारा काम देख लूँगी, लेकिन ना, मैं घर पे आई और अपने घर पे मैं आराम से सो गई थी, क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। काकू ने मेरे को सुबह भी उठाया जब एग्ज़ाम देने जा रहा था, मैं तब उठ गई थी, फिर दोबारा सो गई। उसके बाद फिर जब काकू का एग्ज़ाम हो गया 12 बजे, उसने फिर उठाया मेरे को और मैं सो ही रही थी तब तक भी। तो फिर काकू मेरे को बाहर की बाहर डायरेक्ट लेके आया, तो मैं अभी काकू के साथ ही घर पे आ गई थी। एंड ये देखो, ये एक्टिंग कर रहा है काम करने की। अभी मेरे को बोल रहा था वीडियो बनाओ, मैं काम करने की एक्टिंग करता हूँ। बहुत अच्छी एक्टिंग हो रही है। बताने की बात नहीं होती है, बताने की बात नहीं होती, एटलीस्ट आपने एग्री तो किया। बाय द वे, मैं आपको काम दिखा देती हूँ। यहाँ तक हुआ है, आगे वाली वॉल इतनी हो चुकी है, ये साइड वाली और पीछे वाली वॉल। हमने कितने फुट कराई थी काकू? 10 ना, 10 फुट कराई थी। अरे आवाज आएगी माइक में? 10 फुट 10 फुट 10 फुट तक हो गई होगी ये वाली, हो गई या रहती अभी थोड़ी? 10 फुट हो गई, ये सामने वाली 10 फीट है और साइड वाली भी 10 करेंगे, फिर इधर से भी ईंटें लगाएंगे इस साइड में, ये जो ये रीजन है, उसके बाद सामने फ्रंट से भी 10 फुट, फिर इसके बाद इसके ऊपर छत डलेगी। और अभी लंच टाइम हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे काम नहीं चल रहा। लेटे हुए थे बेचारे, हमने भी कुछ खाया पिया नहीं है। तो मैं काकू को बोल रही हूँ, मैंने कहा आप भी एग्जाम दे के आयो, मैं भी अभी सोके उठ के आई हूँ, तो कुछ खाने का। सीरियल किलर, तो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा कुछ खाने का ले आओ या फिर कुछ खा लेते हैं। अब कुछ काकू बोल ही नहीं रहा खाने पे, खा लो यार, कुछ भूख लग रही है। फ्रूट्स खा लो आज। खिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ आपको। कभी लगता है क्या गाइस मैं इसको बिना खाना खिलाए छोड़ सकता हूँ मोटे को? नहीं तो मेरे को नहीं खा जाएगा जान से। तो जो भी खाएंगे वो आपको दिखाते हैं। अभी तक का यही अपडेट था, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। यार, पूरे दिन से मैं एग्ज़ाम दे के आया था, उसके बाद घर पे आया था, पापा के साथ गया था बाहर सरिये वगैरह लेने, और ये मोटू सुबह से मेरा बच्चा भूखा है, इसको बहुत तेज़ भूख लग रही है। अभी 3 बज चुके हैं और हम दोनों ने कुछ नहीं खा रखा सुबह से, तो इस मोटे को मैं डोसा खिलाऊंगा। मोटे, कौन सा वाला डोसा खाओगे? 1 घंटे पहले भी कह रहे थे आप, फिर आप सरिये लेने चले गए, कुछ भी नहीं खा रखा। काम तो करना पड़ेगा ना, कुछ स्टूडियो बनवाना है। बेचारे पेट ने कुछ भी नहीं खा रखा, इस बेचारे पेट ने कुछ भी नहीं खा रखा। इतने पेट माने दमलू, दमलू माने कुआ, कुआ माने खाई, इस खाई ने कुछ भी नहीं खा रखा। पेट माने डमरू कुआ खाई भी, माइक नीचे आ गया था आवाज आ जाती है इतनी। अच्छा माइक है ना, महंगा वाला। चलो गाइस, चलते जल्दी से, मोटा नहीं तो भूख के मारे मेरे को खा जाएगा। गाइस, फाइनली हम आ गए यहाँ पे डोसा खाने, इतना सारा वेट करने के बाद 3:30 बजे और मेरे को इतनी ज़ोर से भूख लगी है, लेकिन इस काकू से रुका नहीं जा रहा है। मेरे को कह रहा है कि नेक्स्ट किचन वाले चैनल के लिए शॉर्ट वीडियो भी बना लो, बिना किसी स्क्रिप्ट के पैसा वसूल हो जाएगा ताकि। और मैं इतनी ज़ोर से भूख लगी है ना, मैं खाने का वेट कर रही हूँ, लेकिन इसको सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है। व्लॉग तो खत्म होकर नहीं दे रहा है और मेरे को खाना भी नहीं खाने दे रहा। यार बना लो ना एक बार सिर्फ नेक्स्ट किचन उसके लिए, सॉरी नेक्स्ट व्लॉग्स वाले के लिए व्लॉग बना लो ना। दिखाना दिखाना दांत, दिखाओ दिखाओ, यही थंबनेल लगा दूंगा अब, ठीक है? यही तो हमने लगाऊंगा जो पहले वाला था, दांतों वाला। तो हमने ऑर्डर किया था बटर अनियन, क्या ऑर्डर किया था? बटर अनियन पनीर मसाला डोसा, बटर अनियन पनीर मसाला डोसा ऑर्डर किया था। सांभर तो आ गई है और चटनी भी आ गई है, डोसा थोड़े टाइम में आता है, जब डोसा आएगा फिर आपको दिखा दे। इतने में सांभर पी लेती हूँ, सारा सांभर पी के ख़त्म कर देते हैं ताकि एक और बार मिल जाए, क्योंकि सांभर तो अनलिमिटेड होता है ना। तो एक बारी पियो पियो,
बस अब एक कटोरी फिनिश कहाँ हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जहाँ पे हम लास्ट व्लॉग में गए थे ना वो खाने के लिए हमने डोसा दिखाया था ना, तो उससे बेटर यहाँ वाला है, इनके सांभर भी अच्छी है, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। दुर्गा डोसा से बेटर है श्री दुर्गा डोसा, काको कह रहे हैं दुर्गा डोसा से बेटर है श्री दुर्गा डोसा, वो दोनों सेम ही रोड पे हमारे यहाँ पे पश्चिम विहार वाले पे, लेकिन वो बढ़िया आगे पीछे हैं, आगे पीछे। एक बारी खाना खा ले और ये मतलब ये सांभर पी ले, फिर जैसे डोसा आएगा ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बाय द वे मैं आपको एक बात बताना भूल गई काकू, आज तो आपके एग्जाम ओवर हो गए, आज तो लास्ट एग्जाम था ना, एक्साइटमेंट देख रहे हो क्या क्या क्या, कौन सा कीड़ा घुस गया बॉडी में? मोटो कीड़ा घुस गया मेरे पास। कोई नहीं, सारी चीज़ों का बदला दूंगा मैं आपसे। अच्छा आप वो तो दिखा, थोड़ा पीछे हो जाओ ना, मैं कहाँ पीछे जाऊँ। हाँ एग्ज़ाम ओवर, नौटंकी करा रहा ना आपसे, मैं कह रहा एग्ज़ाम ओवर हो गया, आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, मेरे सारे एग्जाम खत्म हो गए, बस अब प्रैक्टिकल्स रह रहे हैं, वो भी जल्दी से हो जाए एक बारी, फिर मैं ना फ्री हो जाऊंगा। पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन, पीछे वो जो लड़की है ना काकू वो आपको देख रही थी। देखने दो क्या हो गया, तो इतनी जोर से चिल्लाना जरूरी है, हमसे भी तो बोल सकते हो। नेक्स्ट के चैनल में 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। जो 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 यार डोसा कब आएगा, हमारी अभी भी डोसा कब आएगा, भूख लग रही है ना। पीपी के सांभर खत्म कर दो यार, सांभर है इतना इसका मन नहीं करता, उसका ज़्यादा मन करता है। जब हम अमृतसरी कुलचा पे जाते हैं ना तो वो कुलचा देता है और वो छोले होते हैं और रायता होता है अनलिमिटेड, वो तो ख़त्म कर दो। वो तो डिपेंड करता है, जैसे आप गर्मियों में यहाँ पे आए हो तो आपको सांभर ज़्यादा पीने का मन नहीं करेगा, बट अगर आप सर्दियों के अंदर यहाँ पे आओगे तो आप सांभर ज़्यादा, हाँ तो सांभर पियेंगे, लेकिन अभी तो रायता पीने का मन करेगा ना। सांभर का ये है कि वो बॉडी में जाने के बाद ठंडा करती है, लेकिन पीते तो इसको गर्म गर्म ही है ना गर्मी में, रायता तो ठंडा ठंडा होता है ना, इसलिए मेरे को अमृतसरी कुलचे वाले का रायता बड़ा अच्छा लगता है, अनलिमिटेड रायता चटनी प्याज ओए होए स्वाद ही आ जाता है। आई डोंट नो कब तक आएगा, वेट करते हैं, इतने हम सांभर ख़त्म कर देते हैं। मोटे को इतनी भूख लग रही है कि अपना सांभर तो सारा पी गया और मेरा सांभर भी पीने वाला है और डोसा अब तक आया भी नहीं हमारा, बहुत तगड़ा भूखा है भाई। गाइस डोसे का वेट हो रहा है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। खाली प्लेट देख के आपको लग रहा होगा कि हमने खाना खा लिया, लेकिन एक्चुअल में हमारा खाना अभी तक आया नहीं है, और मेरे को इतनी भूख लगी थी, मैंने काकू की भी सांभर थोड़ी सी जो बची थी वो पी ली, और अब काकू को भूख लग रही है ज़ोर से। अब तो सही में भूख लग रही है यार, ये पता नहीं कब लेके आएंगे। खाना तो खत्म हो गया, पैसे हमें देने नहीं, डोसा भी आया नहीं, चलो सांभर तो फ्री का ही है वैसे, चलो सांभर सांभर खा के चलते। कब आएगा डोसा, हद कर दी भाई आते इन्होंने। गाइस फाइनली द वेट इज़ ओवर, काकू के फेस की स्माइल देख के आप समझ जाओ कि डोसा आ गया है। तो ये है हमारा पनीर बटर मसाला अनियन डोसा जो काकू ने करवाया था, ओए बटर की टिक्किया के लिए नहीं खानी, तो एक बार खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। थोड़ी देर पहले हम घर पे आए थे और आज तो ये पढ़ने बैठा हुआ मज़े से, और मैं आपको दिखाता हूँ मोटू क्या कर रहा है। मम्मी बैठी है, ये पापा, ये अंकल काम कर रहे हैं लकड़ी का, और पुराने गाने चल रहे हैं टीवी में, और मोटू बना रहा है सबके लिए ये नींबू पानी, ये बंदर बना रहा है सबके लिए नींबू पानी, और ये मुँह हाथ धो रहा था अभी जस्ट। आई लव यू बंदर, बना लो भाई, मेहनत करता है ये बच्चा, आते ही सबसे पहले नींबू पानी बनाने लग गया सबके लिए। चाहे कैसे ही बनाओ नियत होनी चाहिए बनाने की। 9 है, 10 दे दिए होंगे, रखे हुए हैं अभी। चलो मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर बाद, मैं अभी मुँह हाथ धो लेता हूँ, मैं आया था जब से बाहर से मैंने मुँह हाथ नहीं धोए थे, तो जल्दी से मुँह हाथ धो के फिर मिलते हैं। और मैंने आपको कल दिखाया था कि हमारी गली में कीर्तन हो रहा था, तो कल इस घर के अंदर हो रहा था जहाँ पे ये सेंट्रो खड़ी है, आज वहाँ पे हो रहा है। तो कोई सीज़न चल रहा है क्या यार, मतलब कीर्तन वगैरह करवाने का? बताओ, हम भी करवाते हैं, लेकिन अभी तो हमारे फ्लोर रेडी नहीं हुए, तो हम किसी खुशी के अंदर कराते लोग, तो जल्दी से जब रेडी वगैरह हो जाएंगे तो मे बी तब हम कीर्तन वगैरह करवाएं। लेकिन आपको मैं मिल गया इस खुशी में करा लो। तो चलो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यार वीडियो एडिटिंग अभी मोटू कर रहा है और जल्दी से हमें अपलोड करनी है 8:30 बजे तक, और टाइम अभी हो रहा है 8:08, तो यूँ लगा लो आप सिर्फ 22 मिनट के अंदर ये वीडियो में एक्सपोर्ट भी करनी है, अपलोड भी करनी है, और ये मोटू देखो कैसे लगा पड़ा है, पोस्ट एडिटिंग भी करनी है
और फिर खाना भी तो खाना है, खाना भी खाना है अभी तो बेचारे को भूख लगती रहती है इसको, एक घर से मोटा पेट सड़क पे लेट आ गई, गाड़ी फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 101, गाड़ी पहुंची इंडिया गेट, आगे इंडिया गेट में आए सिपाही उस मोटे की उन्होंने की पिटाई। आपका आता है तो यार आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय। वीडियो बनाना ट्राइंग टू बी कूल एंड क्यूट बट शी इज नॉट, शी इज क्यूट बट अ फूल, इंग्लिश वाला फूल।